सब्सक्राइब कीजिए मूल भक्ति चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। 9 दिन 9 प्रसाद। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ के हर स्वरूप के लिए इन खास चीजों को प्रसाद के तौर पर चढ़ाइए। घी का प्रसाद। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है इससे आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन शक्कर का भोग। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। इस दिन माता रानी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन माता को दूध अर्पित करें। तीसरे दिन माँ की तृतीय रूप चंद्रघटा की पूजा की जाती है। माता को दूध के बने पकवानों का भोग पसंद है। प्रसाद में दूध या उससे बनी चीजें अर्पित करें। चौथे दिन माँ के लिए मालपुए का भोग बनाएं। चौथे दिन माँ कुष्ठमांडा की आराधना की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मालपुए का भोग लगाएं। पांचवे दिन केले का भोग लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन संकट माता की पूजा होती है। इस दिन को पंचमी भी कहा जाता है। माँ संकट माता को केले का भोग लगाना चाहिए इस दिन। 6वें दिन मीठा शहद। नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए माता को शहद का प्रसाद बनाकर अर्पित करें। 7वें दिन माँ के लिए गुड़ का प्रसाद बनाएं। 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बने निर्मित चीजों को भोग में अर्पित करना चाहिए। 8वें दिन भोग में नारियल होना चाहिए। 8वें दिन महागौरी का होता है। महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और 9वें दिन प्रसाद में तिल रखें। नवरात्रि के आखिरी दिन देवी सिद्धिदानी की पूजा होती है। इस दिन देवी को तिल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति आती है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मूल भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।